नारी शब्द में न जाने कितनी ताकत छुपी हुई है। एक नारी अपनी कला के दम पर शहर एवं प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर सकती है। हम बात कर रहे हैं संगीत नृत्य कला से विदेशों में भी भारत का परचम लहराने वाली डॉक्टर राखी वाजपेयी की। सरल सी दिखने वाली राखी वाजपेयी वह महिला हैं जो परिवार के साथ रहकर बच्चों की पढ़ाई लिखाई, किचन का काम एवं पर्यावरण की देखभाल भी करती हैं। तो आज हम जानेंगे ऐसी शख्सियत के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अब TV30 इंडिया न्यूज चैनल ले आया है कानपुर महानगर में। कानपुर महानगर में उस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं डॉक्टर राखी वाजपेयी। डॉक्टर राखी वाजपेयी एक ऐसा नाम है जो कानपुर महानगर में ही नहीं, अब भारत में ही नहीं और विदेशों में इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने अपना नाम किया है। और उन्होंने संगीत के माध्यम से उन्हें दुबई, मलेशिया, सिंगापुर जैसे महान शहरों में ही नाम से जाना जाता है। ऐसी शख्सियत जिन्होंने कानपुर महानगर का नाम रोशन किया है संगीत के माध्यम से। आज TV30 इंडिया न्यूज चैनल में मैं उनसे आपकी बात कराने जा रहा हूं। उन्होंने अपने इस पायदान में पहुंचने के लिए क्या दिक्कतें उनके सामने आईं, कैसे उन्होंने अपना ये पड़ाव करके भारत में कई शहरों में जा कर के, ना कि भारत के ही शहर चुन करके विदेशों में उनको बुलाया गया, मैं आज उनकी आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ। डॉक्टर राखी वाजपेयी जी, TV30 चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी कि मैं पहली बार संगीत विषय पे बोल रही हूँ, क्योंकि हम कानपुर के हैं और जिस समय हमने संगीत की शिक्षा ली थी तो उस समय हम लोगों के यहाँ संगीत को कोई इस विषय के रूप में नहीं माना जाता था कि उसमें PhD भी होगी, या मेरे पारिवारिक सोच ऐसी नहीं थी कि आप उसमें PhD करो या उसमें आगे बढ़ो, क्योंकि इस विषय को इतना गंभीरता से नहीं लिया जाता था। तो जब मेरी भी शुरुआत हुई, मैंने संगीत, मुझे बचपन से ही बहुत शौक है और मेरी माता जी भी संगीत बहुत अच्छा गायन करती है, पर उन्होंने कहीं इसकी शिक्षा नहीं ली थी। और मेरे साथ ये फ़ायदा हुआ कि उन्होंने कहीं शिक्षा नहीं ली थी, उन्होंने मुझे, मेरे पिताजी और माताजी ने मिलकर मुझे संगीत की शिक्षा मनोज श्रीवास्तव जी हैं उनसे दिलाई। और उसके बाद मैं निरंतर मैंने गायन में अभ्यास करती रही और मुझे नृत्य भी बहुत पसंद था। जैसा कि आपको संगीत में बहुत रुचि रही और आपने संगीत में आगे बढ़ती चली गई, ऐसा कभी कोई ऐसी चीज आई जिससे आपको लगा हो कि नहीं, इससे हमें इससे तकलीफ हो रही है, या मैं इस कारण से मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, या कोई रुकावट आई, या कोई परिवार से कोई दिक्कत आई, ऐसा कुछ हुआ क्या? देखिए, संगीत विषय एक कलात्मक, या ये कह सकते हैं इसका प्रदर्शन किया जाता है। संगीत विषय ऐसा नहीं होता जैसे आप और भी
सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आप घर बैठे पढ़े। संगीत विषय में अगर मैं किसी से कहती हूँ मैंने PhD किया तो आज तक एक छोटा बच्चा भी मेरा टेस्ट लेने पे आ जाएगा कि अच्छा आप सुनाइए। तो संगीत विषय एक ऐसा होता है जिसमें निरंतरता आपको अभ्यास की ज़रूरत और प्रदर्शन की ज़रूरत दोनों ही होती है। और संगीत एक ऐसी चीज़ होती है कि या तो आप दो तरह का संगीत होता है, या तो आप उसको मनोरंजन की दृष्टि से गाएं बजाएं या उसका इस्तेमाल करें, या फिर आप उसको आध्यात्मिक, जैसे कि हमारे मंदिरों में होता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत से लोग सिर्फ भगवान के लिए गाते बजाते हैं, भजन करते हैं। तो ये संगीत की दो शाखाएं हैं, नृत्य और गायन। और ये परमात्मा का, मेरी सोच है कि मैंने भगवद गीता पढ़ी हुई है तो उसमें यही कहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने कि आप निरंतर संसार में जहाँ भी संगीत है वहाँ मेरा ही रूप है। तो मैंने इसी रूप को भगवान की साधना और अभ्यास गायन और वादन के रूप में, गायन और नृत्य के रूप में उसको स्वीकार किया। और बाधाएं तो देखिए जो नई सोच होती है तो आती ही है, यानी कुछ अच्छा होता है कुछ नहीं अच्छा होता। तो राखी जी ये बताइए कि जैसे बाधाएं आई तो आपके माता पिताजी ने आपका इसमें सहयोग दिया? जी, मेरे माता पिताजी ने बहुत सहयोग दिया। और मेरे पिताजी, मैंने स्वामी हरिदास जी पे PhD की थी, भारतीय संगीत पे स्वामी हरिदास जी का योगदान। तो प्रॉपर में कटिया संस्थान है, वृंदावन के लोग जानते हैं, वहाँ मैं गई। तो वहाँ जब मैंने ये विषय को चुना था या मुझे यूनिवर्सिटी कानपुर में जो अप्रूवल मिला था इस विषय में, तो वहाँ पर स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। लेकिन मेरे पिताजी और मेरे माँ के सहयोग से मैं वो गए, फिर हम लोग ने गायन अपना करके उनको मतलब कैसे कन्विंस किया कि नहीं हम लिखेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि और लोग डटिया संस्थान स्वामी हरिदास जी के बारे में कैसे जान पाएंगे। स्वामी हरिदास जी वही हैं जो तानसेन जी के गुरु माने जाते हैं। तो फिर और सारे संतों ने फिर मेरी मदद करी। तो बाद में जब मेरी थीसिस कंप्लीट हो गई तो मैंने एक प्रति वहाँ जाके समर्पित शुरू करी, क्योंकि संगीत और आध्यात्म आपस में जुड़ा हुआ है। और अगर आप संगीतज्ञ हैं तो आप, आपका संगीत तभी प्रभावी हो सकता है जब आप इमोशंस फीलिंग्स आपके अंदर लाते हैं, अपने अंदर भावना। किस प्रेरणा पे आपने सोचा कि हमें अब शिक्षक की जरूरत पड़ेगी और आपके गुरु कौन रहे? जी, मेरी शिक्षक, क्योंकि मैंने 9th क्लास में संगीत विषय को चुना था और उसके लिए फिर मुझे अभ्यास की ज़रूरत थी, क्योंकि संगीत में ये होता है कि गायन मतलब अगर आप गायन कोई बंदिश गाते हैं तो उसके साथ आपको ताल का भी ज्ञान होना चाहिए। तो फिर वो गुरु के ही सानिध्य में होता है। तो मेरा जो है मनोज श्रीवास्तव जी हैं जो JK में इस समय टीचर हैं, तो उन्होंने मुझे शुरू से शिक्षा दी संगीत गायन की और तालों का ज्ञान दिया। मैंने उन्हीं के सानिध्य में रह के और पूरा डिग्री कॉलेज तक तो मैंने उससे सीखा है उसके बाद। राखी जी, जैसा कि आपने संगीत में बढ़ते कदम आपके आगे बढ़ते चले गए, इसमें आपको विदेश में जब आपको सम्मानित किया गया, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, तो पहला सम्मानित आपको कार्यक्रम के लिए विदेश में कब बुलाया गया? जी, 2016 में मैं एक ऐसी संस्था से जुड़ी थी जो कि इंडी रॉयल संस्था है। वो जितनी भी लेडीज़ हैं उनके लिए कार्य करती है कि क्योंकि हम लोगों को आजकल वर्किंग सारी महिलाएं हो गई हैं और कहीं ना कहीं इंसान रोज़ की जिम्मेदारी मतलब निभाते निभाते वो अपने आप को भूल जाता है। तो जब ऐसे आयोजन होते हैं तो आप मानसिक शांति मिलती है, आपको खुशी मिलती है, उत्साह मिलता है। तो मैं इंडी रॉयल क्वीन के माध्यम से मैं दुबई गई और वहाँ पर मैंने मेरी क्लासेस मैंने बराबर को क्वींस को पूरा क्लास दिया और फिर मैंने अपना खुद का प्रोग्राम वहाँ पर प्रस्तुत किया जहाँ मेरा काफ़ी नाम हुआ और वो उन्हीं लोगों ने मुझे फिर सम्मानित किया। पहला मेरा इंटरनेशनल टूर जो है वो दुबई में था। जैसा कि इस पड़ाव में आगे बढ़ते हुए आपकी मैरिज हुई, मैरिज होने के बाद घर में होता है कि आप मेरे यहाँ की बहू बन गई हैं, अब आप इसमें नहीं करेंगी, तो क्या ऐसी फैमिली में आपका सहयोग कैसा था? मदर इन लॉ डॉक्टर उषा वाजपेयी हमेशा से उन्होंने मुझे पसंद किया था अपनी बहू के रूप में। तो वो निरंतर मेरे संगीत में, वो मेरे सबसे प्यारी दर्शक मैं कह सकती हूँ वो हैं मेरे।
क्योंकि वो मुझे निहारती रहती है, जब मैं नृत्य करती थी तो वो मुझे बहुत ध्यान से देखती हैं और अभी भी हमेशा वो कहती हैं तुम गाओ और ये कपड़े पहनो, ऐसे करो वैसे करो और तुम अपना क्लासिकल वाला करो। तो वो उनका बस चले तो मुझे सब जगह वो गवाएं और डांस करवाएं। लेकिन ये बाकी पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं तो हर इंसान अपने में उलझ जाता है। लेकिन मेरी सबसे अच्छी शादी के बाद जो श्रोता या ये दर्शक के रूप में मेरी सासू माँ ने बहुत सही। संगीत जो कि एक आज बहुत अच्छे वाहन पे आदमी संगीत शब्द को बोलता है, बट आज से संगीत को लोगों ने दूसरे रूप में कर दिया है। पुराने संगीत को लोग छोड़ते जा रहे हैं, पुराने संगीत को कोई नहीं ध्यान देते हैं, उसकी कितनी शाखाएं हैं ये भी लोगों को नहीं पता है, संगीत क्या होता है, तो इसकी ओरिजिनलिटी जानने के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए दिक्कत ये होता है कि जो हम आजकल इतना जैसे होता है ना रेडी टू ईट, फटाफट जो चीज बनी वो खा ली, तो उसी तरीके से हमारा संगीत बहुत विस्तृत है और जितने भी इसमें राग हैं वो सब एक तरह से सिद्ध होके आते हैं, ये सब एक मंत्रों की तरह होते हैं और इनका निरंतर आपके अंदर अगर आप संगीत में हैं तो आप अपने आप ही पवित्रता के गुण आ जाते हैं। और पुराने जमाने में तो बहुत से लोगों ने पढ़ा भी होगा सुना भी होगा आपने कि संगीत जब होता है तो बारिश होने लगी तानसेन जी ने जब गाया या दिए जलने लगे बैतु बाबरा ने जब गाया, तो ये अभी भी होता है। ये सबसे पहले तो आत्मरंजन कि आप खुद खुश हैं, दूसरा आपके जीव जंतु, क्योंकि संगीत में भी अध्ययन में हमको मिलता है कि पौधों अच्छे से ग्रोथ करते हैं पौधों और दूध गाय ज़्यादा देती है, तो इसके बहुत से सकारात्मक प्रभाव भी हैं संगीत के। राखी जी जैसा कि संगीत जो शब्द आप बता रही हैं कि इसमें लोगों को इतना मतलब करना चाहिए, जी जी, संगीत से निकल करके एक चीज़ आपकी और चर्चित में आई है कलाकुंज। कलाकुंज जो संस्थाएं जो आज आप ऑनलाइन क्लासें बच्चों को दे रही हैं, तो ये कल्पना आपके अंदर कैसे आई? जी पहले मैं ऑफलाइन करती थी सारे काम, संगीत से जुड़ी थी और बहुत से अनाथ, जैसे संगीत में ये होता है कि हर इंसान हर जगह जा नहीं सकता और इतनी फीस हो सकता है अफोर्ड ना कर पाए वो, तो मैं निराश्रित जो जिनको शौकीन है जो बच्चे करना चाहते हैं तो उनकी शिक्षाएं मैं ऑफलाइन लेती थी पहले, पर ये 2 या 3 साल से कोरोना के कारण जो है मुझे सारी चीज़ें ऑनलाइन ले जानी पड़ी और इसको लोगों ने बहुत पसंद किया है और ये मैंने 3 श्रेणी में करना चालू किया है कि आपके अंदर कुछ भी बेहतर है। एक तो प्रोफेशनल आर्टिस्ट को लिया है और उन्हीं प्रोफेशनल आर्टिस्ट में मैंने जो कम प्रोफेशनल उनको भी शो करने की कोशिश करी है, क्योंकि देखिए संगीत अगर आप जैसे आप तभी दूसरे का सुनोगे जब आप खुद गाओगे, तो मुझे लगा कि ये यही हम लोग को संगीत से जोड़ने का सबसे आसान साधन है कि हम सब कैसे पहले जुड़े, तो सबसे पहले हम सुनेंगे तो थोड़ा सा बेसुरा गाएंगे तब फिर सुरीला गाएंगे ना, तो मैं प्रोफेशनल के साथ थोड़े कम प्रोफेशनल लोगों को भी प्रोत्साहित करने का कार्य करती हूँ अपने पेज पे। घर में रह करके गृहस्थ जीवन में रह करके घर के सारे काम करके जी जी बच्चों की पढ़ाई दिख आप ध्यान देती हैं, पेड़ पौधों को भी आपकी बहुत रुचि है जो हम लोगों को पता चला है, और पहली चीज तो घर के किचन का भी ध्यान देती हैं आप, ये सब करने के बाद भी आप अपना समय कैसे निकालती हैं? देखिए मुझे संगीत बहुत पसंद है और बीच में घर गृहस्थी देखते देखते मैं शायद अपने संगीत को भूल भी गई थी, मुझे फिर से अपने संगीत की याद दिलाने वाली मेरी बहन है रोली त्रिपाठी और उसने मुझसे फिर से कहा कि दीदी अब बच्चे तुम्हारे बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे और तुम समाज के लिए कार्य करो, तो इसमें बहुत हद तक वो मेरी प्रेरणा है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर पूजा शर्मा भी मुझे समय समय पे अपना ये कह सकती हूँ कि राय दे सकती हैं मेरे संगीत के बारे में, उनका मैं सहयोग मांगती हूँ। डॉक्टर विजयलक्ष्मी हैं, अर्चना हैं, अंजू हैं, तो बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं जो मुझसे संगीत से जुड़ी हुई हैं और जो मुझे समय समय पर सलाह देती हैं, पर जो ये कलापुंज की स्थापना के पीछे मेरी बहन ने ही मुझे प्रेरित किया कि दीदी तुम ऑनलाइन संस्था करो जिसमें बहुत से लोग परेशान हैं उनको मानसिक शांति मिलेगी और तुम जब दूसरों को आप खुशियाँ देते हैं तो खुशियाँ आपके पास भी आती है, तो उसने ही मुझे अभी भी मैं विचलित हो जाती हूँ ऐसा कहा वैसा कहा पर वो निरंतर मेरे साथ खड़ी रहती है। एक है छोटी बहन पर जो है उसने बिल्कुल
बड़ी बहन की तरह मुझे सहारा दिया। और मेरे भाई जो हैं अंजनी कुमार त्रिपाठी, वो इंजीनियर हैं, उन्होंने भी मेरे जब मैं थीसिस लिख रही थी तो वो डटिया संस्थान में गए थे, उन्होंने फोटोग्राफी करी और बाकायदा अभी भी वो जो है मुझसे यही कहते हैं कि आपको जीवन में जीना है तो वो सदगुरु के मैसेज मुझे सुनाते हैं, आध्यात्मिक सारे वो देते हैं मुझे। समय समय पर मेरे भाई बहन मुझे बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि कला कुंज जो आपने एक संस्था बनाई है, इस संस्था को किस रूप में आप परिवर्तित करना चाहती हैं, आगे बढ़ाना चाहती हैं, या कोई एक अपना क्लासेस डांस या संगीत का कोई अपना इंस्टीट्यूट डालना चाहती हैं, या आगे ऐसी कोई सोच है जो आप आगे चल करके इसको बढ़ाना चाहती हैं? देखिए, कला कुंज से जुड़े हुए काफ़ी मेरे दर्शक जो हैं वो ज़्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं मेरे, क्योंकि मैं क्लास ले रही हूँ आजकल, और जो बाहर के देशों में NRI हैं वो प्रॉपर से सीखते हैं। तो और बाकी मैं कला कुंज को एक रोजगार की दृष्टि से भी डेवलप करना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल आर्टिस्ट कोरोना के कारण बेरोजगार हुआ है। जैसे किसी को कैशियो सीखना है या गिटार सीखना है, तो मैंने उन आर्टिस्ट को भी कला कुंज में प्रमोट करने की सोची है। किसी का भी बच्चा सीख रहा है तो ऑनलाइन उसको टीचर नहीं मिलते, बहुत से लोग उनसे पूछते हैं कि मैम वो उसके गिटार का टीचर कोई बता दीजिए या आप उसका इवन ढोलक का ही बता दीजिए। तो ये विधाएं हैं, इसमें कोई ये नहीं कि हमारी भारतीय संस्कृति की है तो हम लोकगीत भी लेके चलेंगे और हम गिटार भी लेके चलेंगे, हम सारे वाद्यों को लेके चलेंगे। कुंज मतलब कि हम सारी चीज़ों के को लेके चलेंगे। संगीत में जितनी भी चीज़ें हैं सुमधुर हैं, जिससे हम सबको शांति मिलती है, पॉजिटिविटी आती है, वो सारी चीज़ें संगीत हैं, मंत्र हैं। तो मैं इस तरह के संगीत के फेवर में हूँ। बाकी मनोरंजक रूप में भी हम लोग लेते हैं हल्के संगीत को, सुगम संगीत कहते हैं, तो इससे कलाकारों को भी हमारा रोजगार मिलता है। बहुत से मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसमें मैं हिमांशु जी का उदाहरण देना चाहूँगी कि वो BTEC करते थे और मैं जब पढ़ाती थी अपनी क्लास में तो वो रात की BTEC करके वो रात की शिफ्ट करके आते थे और एक घंटे मेरे क्लास के बाहर बैठे रहते थे कि मैम आएंगी, और फिर वो पूरा रात सीखते थे। तो आज वो जॉब कर रहे हैं, अब वो जॉब कर रहे हैं लेकिन संगीत अच्छा लगता है उनको। तो मैं ऐसे आर्टिस्ट को भी प्रमोट करती हूँ, मुझे राग भेजते हैं गा के, मैं कहती हूँ ये नहीं सही लग रहा, ये नहीं, ये कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत परफेक्ट है। जैसा राखी जी, आपको पहला टूर आपका दुबई में आपको संगीत के माध्यम से जाने को मिला, आपको वहाँ सम्मानित किया गया, उस कार्यक्रम में आपको क्या प्रतिभा निकल के आई कि मैं इतनी दूर मतलब आ करके और एक कानपुर महानगर जैसे शहर का आपने नाम रोशन किया, तो क्या लगा आपको ऐसा? जी, वहाँ पर मुझे एक तो आत्मिक शांति मिली, क्योंकि हर एक महिला, वो महिलाओं का प्रोग्राम है, तो वो ऐसी महिलाओं का प्रोग्राम होता है जो कि उसमें तीन कैटेगरी होती है, जैसे कि एक आपका यंग एज का, एक आपका 30 से 40 साल की उम्र में, एक आप जैसे आप 50-60 की उम्र में। तो आप जीवन के प्रति हमेशा सकारात्मक रहें, क्योंकि अगर हम जीवित हैं तो हमें अपने जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए ना। तो आजकल लोग सारी चीज़ हो के भी दुखी हैं, उदास हैं, तो ये सब चीज़ें करते करते हम लोग एक छोटे छोटे बच्चे बन जाते हैं, इवेंट से जुड़े हैं और कुछ देखा कुछ हंसी टटोली होगी, क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोग खो दी है, ये महामारी ऐसी चली है, या हम लोग अपने आप में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए कि एक दूसरे की तरफ देखते नहीं हैं। तो ये संगीत सबको जोड़ने का एक बहुत आसान रास्ता है, अपने आप को भी खुश रखने का और लोगों को भी खुश रखने का। हमारे चैनल के माध्यम से जो संगीत को बहुत रुचि रखते हैं, जो नहीं पहुंच पाते हैं उस मुकाम तक या उस तक नहीं पहुंचना चाहते हैं, कई बहुत ही निम्न पर वाके होते हैं, लेकिन स्टूडेंट जो होते हैं वो चाहते हैं कि मैं अच्छा संगीत सीखूं या कर, उसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो यही संदेश देना चाहूंगी, क्योंकि आजकल तो देखिए बहुत आसान हो गया संगीत, जो हम लोगों ने पढ़ा था तो जो हमारे जो गुरु थे तो वो लोग तो लोगों के यहाँ संगीत सुनने जाते थे, तो तरह तरह के भेष बदल के बंदिशें लिखते थे, फिर वो बंदिश लिख के दूसरे सुन के कुछ बताते थे। कुछ जैसे खानदानी संगीत होता है तो उसमें क्या होता है कि आप गुरु ही सिखाएगा वो बंदिश। आजकल के इंटरनेट के ज़माने में ये आसान हो गया है कि आप YouTube खोलें और आपको सब गुरुओं के हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, सुन सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और अपना मानसिक शांति के लिए तो बहुत ज़रूरी है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम संगीत ले के गायन करेंगे, आप अच्छे श्रोता भी बन सकते हैं। आधी बीमारियाँ इसी से दूर हो जाएगी कि अगर आप कोई भी म्यूज़िक अच्छे से सुनते हैं तो आपको मानसिक शांति मिलती है। मंत्र और संगीत आपस में एक दूसरे से जुड़ा है,
हमारा भारतीय संगीत तो बहुत आध्यात्मिक है, बहुत विस्तृत है। तो ये मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को संगीत से जोड़िए। आप नहीं गा पाते कोई बात नहीं, आप नहीं नृत्य कर पाते हैं, नहीं कुछ बजा पाते हैं, पर आप संगीत सुन तो सकते हैं। आप सुनिए, आपको आनंद आएगा। मुझे तो यही लगता है सबको संगीत सुनना चाहिए। जैसा कि आज हमारे TV30 इंडिया चैनल के माध्यम से हमारी बात हुई डॉक्टर राखी वाजपेयी से, और उन्होंने अपने संगीत के माध्यम से जो आगे मुकाम पाया है उसके बारे में उन्होंने बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग संगीत में रुचि रखना चाहते हैं और नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, कि कैसे आगे बढ़ें और कैसे नहीं, और उनकी जो ऑनलाइन क्लास चल रही है उस क्लास में भी वो अटेंड हो सकते हैं, जिसकी कोई फीस नहीं होती है और निःशुल्क वो ऐसे काम कर रही हैं। डॉक्टर राखी वाजपेयी, जिन्होंने कानपुर महानगर में ही नहीं विदेशों में भी अपना नाम रोशन किया है, उनका यही कहना है कि हमारे स्टूडेंट आगे बढ़ें और हमसे भी बढ़ें। आगे भी हम आपको ऐसे बहुत अच्छी चर्चित लोगों से अपने चैनल के माध्यम से मिलाते रहेंगे। कैमरामैन अंकुर के साथ विजय कुमार की रिपोर्ट, कानपुर महानगर से। तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, आपकी टीवी स्क्रीन एवं मोबाइल स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पे मैसेज के माध्यम से। साथ ही TV30 इंडिया उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों एवं OTT प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। TV30 इंडिया को लाइव देखने के लिए अपने क्षेत्रीय केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। नेशनल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर रतन कॉम्प्लेक्स कामैनी हॉस्पिटल के पास मथुरा रोड सिकंदरा। नेशनल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में है चिकित्सकीय उपचार के लिए ख्याति प्राप्त कुशल विशेषज्ञों की टीम, डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता ब्रेन एंड स्पाइनल एवं न्यूरो सर्जन, डॉक्टर मनीष गुप्ता हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रशांत गुप्ता जनरल सर्जन, डॉक्टर एल के गर्ग बाल रोग विशेषज्ञ। नेशनल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में सभी प्रकार के हड्डी के ऑपरेशन दूरबीन विधि द्वारा, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, फ्रैक्चर, ट्रोमा, वन यूनिट प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पेट के समस्त प्रकार के ऑपरेशन, एक्सीडेंटल दिमाग की गांठ, लकवा, गठिया, मिर्गी का दौरा, कमर का दर्द का इलाज कुशल विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। नेशनल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में ICU, NICU, वेंटिलेटर, क्रिटिकल केयर, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी, फिजियोथेरेपी और मेडिकल स्टोर की भी सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा यहां 24 घंटे चिकित्सा और एम्बुलेंस की सेवा भी मरीजों के लिए उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं नेशनल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर रतन कॉम्प्लेक्स कामायनी हॉस्पिटल के पास मथुरा रोड सिकंदरा। सोलंकी टूर एंड ट्रेवल्स के प्रोपराइटर महेंद्र सिंह सोलंकी द्वारा हाथरस अलीगढ़ क्षेत्र के सभी सम्मानित लोगों को समर्पित मनोरंजन से भरपूर ब्लू वेव वाटर पार्क, राष्ट्रीय स्तर की मनोरंजन सुविधाओं से सुसज्जित वाटर पार्क, तो सोचना कैसा। आइए, स्वागत है आपका, क्योंकि एक दिन मनोरंजन से भरा तो बनता है अपने परिवार के साथ ब्लू वेव वाटर पार्क में। पता है मंगलायतन मंदिर के सामने, अलीगढ़ आगरा हाईवे सासनी। संपर्क नंबर है 9214274981 एवं 7534844111।